दोस्तों हम आज की सबसे बड़ी खबर लेकर आए हैं, जो है सलमान खान की फिल्म इंशाल्लाह और अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी को लेकर। सूर्यवंशी जिसकी रिलीज डेट फाइनल हो चुकी थी साल 2020 के ईद को, अब कहा यह जा रहा है कि सलमान खान की फिल्म इंशाल्लाह भी इसी दिन रिलीज होगी। यानी 2020 के ईद को कहा यह जा रहा है कि रोहित शेट्टी ने फिल्म सूर्यवंशी में लीड रोल में एक्ट्रेस कतरीना कैफ को फाइनलाइज कर लिया है। रोहित ने इस फिल्म की रिलीज डेट इस फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में ही रिवील कर दिया था। वहीं सलमान फिलहाल बिजी है दबंग 3 की शूटिंग में जो चल रही है मध्य प्रदेश में। सलमान इसके बाद अपने दोस्त और सबसे फेवरेट डायरेक्टर संजय लीला बंसाली के साथ फिल्म इंशाल्लाह की शूटिंग में बिजी हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि सलमान इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस फिल्म को साल 2020 के ईद में रिलीज करने में। सलमान और संजय लीला बंसाली 19 साल बाद एक बार फिर साथ काम करेंगे। वहीं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान कतरीना की फिल्म सूर्यवंशी के आमने सामने होंगे 2020 के ईद में। दोस्तों आपका क्या ख्याल है, इस बॉक्स ऑफिस के जंग में कौन जीतेगा, सलमान या अक्षय? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे साल 2020 के ईद में, सूर्यवंशी या इंशाल्लाह? दोस्तों इसके अलावा भी यू आर बॉलीवुड के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ऊपर दिए गए बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखें। नीचे दिए गए बॉक्स को दबाने से आप वो वीडियोस देख पाएंगे जो YouTube समझता है कि आपको देखना चाहिए। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।